हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ टीचर। गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आपको तुरंत चाहिए जो भी वीडियो अपलोड हो रही है उसका, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि ये आपको यहाँ पे सैलरी गिवन है कि 3000 रुपीज़ जो सैलरी वो 16 वर्कर्स की है, 4000 सैलरी आपकी 12 वर्कर्स की है, 5000 सैलरी आपकी 10 वर्कर्स की है, 6000 सैलरी आपकी 8 वर्कर्स की है। तो इस तरह से आपको जो वर्कर्स की जो सैलरी है वो यहाँ पे गिवन है। तो जब आपकी एक ही सैलरी आपकी बहुत सारे लोगों की होती है तो वो उसकी क्या बन जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। यानी कि 3000 की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16 है, यानी 16 टाइम 3000 यहाँ पे आ रहा है। तो टोटल 60% की सैलरी या 60 वर्कर्स की सैलरी आपको यहाँ गिवन है जो रिपीटेड है, उसको हम इस तरह से टेबल बनाते हैं। ये हमने एक्सरसाइज 14.1 में पढ़ा था। तो अब जो आपके यहाँ पे सैलरी है ये तो आपकी हो गई एक्स आई, और जो इनकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं एफ आई से। ठीक है, फर्स्ट वाला डेटा हमेशा आपका एक्स आई होगा, सेकंड वाला आपका यहाँ पे एफ आई होगा। तो जब भी आपको किसी डेटा की फ्रीक्वेंसी गिवन है तब हम यहाँ पे मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें एक और टेबल बनानी होती है फ्रीक्वेंसी को। यदि एक वर्कर की सैलरी थी 3000 है तो 16 वर्कर की कितनी होगी, तो 16 × 3000 होगी। सेम यहाँ पे भी वन वर्कर की सैलरी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 12 है, यानी इन 12 पर्सन की सैलरी यहाँ पे 4000 है। तो 12 सबकी मिला के कितनी होगी, 12 में से ईच पर्सन की सैलरी 4000 है, तो सबकी मिला के कितनी होगी। तो 12 को 4000 से मल्टीपल करेंगे, 10 को 5000 से मल्टीपल करेंगे, तो 10 वर्कर्स की सैलरी हमें यहाँ पता चल जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे टोटल सैलरी हमारी कितनी आती, क्योंकि मीन आपका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपको इन 60 ही वर्कर की सैलरी चाहिए और डिवाइडेड बाय जितने वर्कर है वो चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें ये एक एक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ओनली 8 वर्कर की सैलरी पता है। तो हम जब इनको फ्रिक्वेंसी से मल्टीपल करेंगे तब ये हमारे टोटल 60 वर्कर की सैलरी हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे सबसे पहले मीन फाइंड करने के लिए फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीपल करेंगे। तो 16 × 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमने एक और टेबल यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल करो एक्स आई को, तो ये 3000 × 16 आपका यहाँ होगा 48000। एज इट इज़ आप 12 × 4 करोगे तो ये 4000 × 12, तो ये हो गया आपका 48000। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10 × 5000 तो ये आपका हो गया 50000। फिर नेक्स्ट 8 × 6 तो ये आपका हो गया 48000। फिर नेक्स्ट आपका 6 × 7 तो ये आपका हो गया 42। फिर 4 × 8 32। फिर 4 × 8 हो गया, नाउ 3 × 9 तो 27। और लास्ट आपका 1 से मल्टीपल होगा तो 10000 हो गया। तो अब सम कर दो, समेशन एफ आई एक्स आई हो जाएगा। तो अब इसको सम करो, सारे जीरो से 3 टाइम तो आपके सारे जीरो ही आ रहे, तो 1 2 3। अब इसको हम ऐड करें, 8 + 8 8 8 थ्री टाइम हो गया, तो 24 25 26 27 28 28 + 7 आपका हो जाएगा 35। तो 35 का यहाँ आ गया 5, कैरी आपका यहाँ पे चला गया 3। तो 4 + इसको भी ऐड करो, 24 24 25 25 + 5 आपका 30 हो गया। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 8 काउंट कर लिया था, यहाँ पे 3 है तो इसीलिए वो रॉन्ग हो गया। तो ये 4 टाइम आपका 4 आ रहा था, 20 25 28 29, सॉरी यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो गया। तो ये 4 टाइम 4 तो 16 हुआ, 16 + 5 आपका हो गया 21। फिर आपका ये हो गया 21 22 23 24, फिर 25 26 27 और 3 आपका हो गया 30। तो ये हो गया 30305000। अब नाउ मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मीन आपका यहाँ पे हो जाएगा, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, और मीन आपका हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो आई इक्वल टू 1 to n और आई इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो आई इक्वल टू 1 to n यानी टोटल कितनी एंट्री यहाँ पे हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आई इक्वल टू यानी 1 से लेके 8 तक की वैल्यू को हमने यहाँ पे सारा सम किया, यानी कि ये वैल्यू हमारी एफ वन एक्स वन है, ये एफ टू एक्स टू एफ थ्री एक्स थ्री वैल्यू है, तो एफ एट एक्स एट तक है यहाँ पे। तो समेशन एफ आई एक्स आई आपका यहाँ हो जाएगा 3053 × 0, और समेशन एफ आई यानी सारी फ्रिक्वेंसी का सम आपको वैसे क्वेश्चन में गिवन है वो है आपका यहाँ पे 60। तो इसको सॉल्व कर लो, 0
जीरो से आपका जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो इसका सम करके देखो 5 + 3 8 है, तो 8 आपका 3 की टेबल में नहीं आता तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो आप यहाँ साइड में क्या करो उसको डिवाइड करके देख लो, 3 0 5 00 में 6 का, तो ये 5 टाइम गया 30 हो गया, 0 5 यहाँ पे नीचे आया, बट 5 6 की टेबल में नहीं आता है तो आपको एक और नंबर नीचे लेकर आना है, तो वो नंबर नीचे जब आएगा जब यहाँ पे 0 लगेगा, तो ये 0 लगेगा तब ये नंबर आपका यहाँ पे आएगा, तो आप 6 के टेबल में 50 तो नहीं आता बट 48 आता है 8 टाइम, तो ये आपका हो गया 8 × 6 48, 50 − 48 आपका यहाँ पे 2 हो गया, अभी एक जीरो और बचा हुआ है तो ये हमने यहाँ पे ले लिया, तो 3 टाइम हो गया यहाँ पे 18, 20 − 18 आपका 2 हो गया, डेसिमल लगा लो 20 हो गया, फिर से आपका यहाँ पे हो गया 3 टाइम, तो ये फिर से 18, अब तो आपका ये वाला क्या कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर से आपका 2 होगा 0, तो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 50 5083.33 और सो ऑन तक भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट आप इसको, ये इस तरह से हमारा रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं 5083.34, तो यही हमारा यहाँ पे क्या है आंसर है, और एक्स की वैल्यू में से ही आंसर आता है रुपीज़ इसके यहाँ पे, तो इसीलिए इसको हमने यहाँ पे रुपीज़ कर दिया, तो हैंस मीन सैलरी ऑफ 60 वर्कर्स is 5083.34 रुपीस। ओके, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको एफ और एक्स गिवन होगा, सिर्फ मल्टीपल करना है, ऐड करना है, क्योंकि वही फॉर्मूला हमारा ये एफ आई एक्स आई यही ही है आपका टोटल, यहाँ पे जितनी भी फ्रिक्वेंसी उन सबका सम, यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका जन्म, यानी कि ऑब्जर्वेशन 60% का ऑब्जर्वेशन है, तो 60% की सैलरी का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यही हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, थैंक यू।